आज हम सीखेंगे राइटिंग अ लेटर और ईमेल, यानी कि अंग्रेजी में एक पत्र या ईमेल लिखना। फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र में आप सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखते हैं, यानी कि पता उसका जिसे आप खत भेज रहे हैं। उसके नीचे लिखते हैं डेट यानी कि तारीख। फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट यानी कि संक्षेप में खत का विषय या सार। संबोधन के लिए आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम और सर, आदरणीय महोदया या महोदय। खत की शुरुआत आप इस तरह कर सकते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, मैं आपका इस ओर ध्यान खींचना चाहूंगी कि, या फिर दिस लेटर कंसर्न्स, इस पत्र का विषय है। जरूरी बात कहने के बाद आप उनसे विनती इस तरह कर सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनती करती हूं कि। सारी जरूरी बातों के बाद आखिर में आप लिख सकते हैं काइंडली लुक इन टू द मैटर, इस विषय पर जरूर ध्यान दें। उसके बाद उनका शुक्रिया करें, थैंकिंग यू, धन्यवाद देते हुए, रिगार्ड्स, आदरपूर्ण अभिवादन, और फिर नीचे अपना नाम लिखें। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अक्सर आप अपने प्रियजनों को लिखते हैं, इसलिए शुरुआत करें डियर यानी प्रिय से। उसके बाद आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आशा करती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होगी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू, मुझे आपसे पत्र प्राप्त करके बहुत खुशी हुई। इट हैज बिन लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, आपसे मिले या आपसे बात किए जमाना हो गया। इट हैज बिन लॉन्ग सिंस वी मेट, आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हाउ इज योर फैमिली, परिवार में सब कैसे हैं। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा आदर देना। आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, जल्द ही तुमसे मुलाकात हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। वार्म रिगार्ड्स, स्नेहपूर्ण अभिवादन, और नीचे अपना नाम लिखिए। ईमेल यानी कि इंटरनेट के द्वारा खत भेजना। ईमेल पर खत लिखे जाते हैं, औपचारिक भी अनौपचारिक भी, लेकिन जरूरत के हिसाब से कुछ पंक्तियां उनमें जोड़ी जाती हैं। जैसे कि अगर आप ईमेल के साथ अटैचमेंट भेज रहे हो, जैसे कि कोई फाइल, तो आप लिखेंगे प्लीज फाइंड अटैच्ड, यानी खत के साथ कुछ अटैचमेंट भेजे गए हैं, उन्हें देख लीजिए। खत के साथ अटैचमेंट देखिए, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर प्रीवियस ईमेल, यह ईमेल आपके द्वारा पहले भेजे गए ईमेल का जवाब है। प्लीज रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द जवाब दें। सीसी यानी कार्बन कॉपी, अगर आप किसी एक व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरा भी उसे देख ले, तो उस दूसरे का नाम सीसी में डाल दीजिए। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर आप खत किसी एक को भेज रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरा भी देख ले, पर ये नहीं चाहते कि पहले को पता लगे कि दूसरे ने देखा है, तो दूसरे का नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल दीजिए। पीएस यानी पोस्ट स्क्रिप्ट, खत लिखते हुए अगर आप कोई बात कहना भूल गए हैं और अब कहना चाहते हैं, तो नीचे पीएस लिखकर उसे जोड़ दीजिए। आज से जब भी आप कोई खत या ईमेल लिखें, तो अंग्रेजी में लिखना ना भूलें।